मेरी जमीन, मेरे पाकिस्तान में खड़े होकर, मेरे अड्डे पर खड़े होकर पाकिस्तान हिंदुस्तान जिंदाबाद के मुर्दे नारे लगाओगे? सो यू आर वॉचिंग बॉलीवुड अड्डा विद मनीष वाधवा, जय हो, एंड रवीरा भारद्वाज, एंड रवीरा एंड संजीव के शर्मा, थैंक यू। पलाश दत्ता जी को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक, और सबसे बड़ी बात पता है आपको क्या है? गोल्डन जुबली, और हो कह रहा है शादी मुबारक, जन्मदिन मुबारक, शादी मुबारक, गॉड ब्लेस, जय हो। सबकी तरफ से पलाश मेरे भाई को जन्मदिन की मुबारक, आज उनका 50 साल पूरा हुआ है, और बता रहे थे कि उनका पहली बार उन्होंने मनाया, फर्स्ट टाइम बर्थडे मना रहे हैं, पहला है, यानी वो इसके बाद वो कितने साल, मतलब 1500-2000 साल, 70 साल तो जीते हैं, तो 60 × 50 300 तो है, 1000 साल ऊपर जाएगा। गॉड ब्लेस यू भाई, गॉड ब्लेस। और मेरे साथ है मेरा बहुत पुराना भाई, आप सब लोगों ने गदर 2 देखी होगी, और जिसमें दो ही लोगों के सबसे ज्यादा चर्चा, एक सनी देओल, एक मेरा भाई मनीष। तो मनीष भाई मैं जाना चाहता हूँ, आप पहले से फिल्में पहले भी कर रहे थे, साउथ की फिल्में कर रहे हैं, अब इसके बाद कैसा लग रहा है? 10 अगस्त से पहले कुछ और था, और 11 अगस्त के बाद ऐसा हुआ जैसे पता नहीं शायद मैंने अभी काम शुरू किया। गॉड ब्लेस, इतना प्यार, इतना आशीर्वाद मिल रहा है, मेरे पास शब्द नहीं है। असल में मुझे लगता है पूरा इंडिया इनको प्यार कर रहा है, पूरा भारत, भारत, पूरा भारत इनको प्यार कर रहा है, भारत के बाहर भी। और मैं एक नई चीज कहना चाहूंगा कि ये पहली बार हुआ है कि किसी विलन को बॉलीवुड में आई थिंक इतनी सीटी मिली होंगी, फर्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच। आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं चाहता हूँ कुछ बोले, दो शब्द, दो शब्द के मैं तो 10 बोलूंगी। आई मीन ही वाज लाइक फैंटास्टिक इन गदर 2, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। मतलब सीरियसली, सनी देओल के बाद इनकी बात हो रही है, इनकी ही हो रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई विलन इतने टाइम बाद, यू नो, विल मेक सच अ बिग कमबैक इन द बॉलीवुड इंडस्ट्री, एंड विलन्स आर लाइक ग्लैमराइज्ड, एंड आई थिंक यू डिजर्व दैट। थैंक यू। सी, देखो ये तक गिर गया आपके ग्लैमर के चक्कर में। और मैं फिर एक बार बोलूँगा कि मेरे भाई को मैं जानता हूँ करीब 25 साल से शायद, और भाई ने धीरे धीरे यस, भाई ने धीरे धीरे जो मुकाम प्राप्त किया है, दिल इतना खुश हो रहा है कि मतलब मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। अब मैं चाहूँगा कि मेरा भाई इतना बिजी रहे कि हमारे से बात करने के भी टाइम ना हो, ये नहीं कि एटीट्यूड वो नहीं, टाइम ही ना रहे। थैंक यू भाई, थैंक यू। आई थिंक उनमें आएगा भी नहीं, डिजर्व एवरी बिट ऑफ अटेंशन। हाँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ लोग ये बातें पीछे से करते हैं मनीष के लिए कि बहुत डाउन टू अर्थ आदमी और ये बहुत आगे जाएगा, ये मैं पर्सनली बता रहा हूँ, ये बातें करते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग भी मनीष के लिए दुआ करें कि मनीष हर दिन रात चौगुनी 10 गुनी ऐसे ही बढ़ते जाएं। थैंक यू, थैंक यू, यस।